वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं आपके माइंड जो भी पर्सन चल रहे हैं उनकी करंट फीलिंग से, इस वक्त आपको लेके क्या फील कर रहे हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे। गाइस, चंद्र शनि है, जब आप इसे देख रहे होंगे तब इसे आपसे रेजोनेट होगी एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के, किस जेंडर के हैं। अगर एनर्जीज आपसे मैच हो रही है, रीडिंग आपसे मैच हो रही है, दैट मीन्स रीडिंग आप ही के लिए है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। चलो रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा। फर्स्ट मैसेज वी हैव, ओके दे थिंकिंग मैन, आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा, आपके जो पर्सन है वो आपको एज अ डायमंड देख रहे हैं, जैसे एक ऐसी चीज़ जो बहुत ही प्रीशियस है और इन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कोई पर्सन इनके लाइफ में आएगा, और जैसे ये आपको खोना नहीं चाहते। आप देख सकते हैं ये जो पर्सन है, ये इस, ये जो भी चीज़ है, डायमंड है, ये क्रिस्टल है, इसको कैसे देख रहे हैं, इसकी प्योरिटी पे इनका पूरा फोकस है। कैसे ये इनकी लाइट देखो आप, कैसे ये चमक रहे हैं, इनको अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ऐसा ही आपके पर्सन सोच रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में एक लाइट से कम नहीं हैं। आप एक ऐसे पर्सन हैं जिनको ये किसी कीमत पे खोना नहीं चाहते। आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग चल रही है यहाँ पे। नंबर 4, नंबर 6 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है एंड नंबर 1 भी दिखा है, और जनवरी, अप्रैल और जून मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। लेट्स सी और क्या है। नंबर 26, हॉस्टिलिटीज़। डेफिनेटली आपके जो पर्सन है वो सिर्फ सोच ही नहीं रहे, वो आपकी तरफ एक्शन भी लेंगे, वो आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं और वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। नंबर 2 एंड नंबर 6, नंबर 6 अगेन, नंबर 8, सो फेब मंथ भी दिखा है यहाँ पे एंड अगस्त, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट और क्या है, आपके पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ एक्शन लेने वाले हैं गाइस, उनकी करंट फीलिंग्स भी हमें दिखा है। नंबर 6, नंबर 6, ये जो नंबर 6 है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है, या हो सकता है आपको इन दोनों 666 बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। सो कॉन्ट्रैक्ट, आपके पर्सन आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। अभी हो सकता है आपके पर्सन ने हमेशा से चीज़ों को देखते हुए भी अनदेखा किया है, आपके कनेक्शन को इग्नोर किया, बट अब वो नहीं करना चाहते, अब वो आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, वो आपके साथ अभी आगे बढ़ना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक इस रिलेशनशिप में करना चाहते हैं, और इसी के बारे में वो सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। उनके करंट फीलिंग्स में एनवी, आपके जो पर्सन नंबर 2 अगेन, नंबर 0 आपके जो पर्सन है अगेन, इनका कहीं मन नहीं लग रहा गाइस, आप इनकी लाइफ की लाइट हो, ठीक है, और इस वक्त ये डार्कनेस में है, आपके पर्सन इस लाइट में, इस लाइट की तरफ बढ़ना चाहते हैं, जो कि आप है, ये आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल खुश नहीं है इस अंधेरे में, ये बिल्कुल खुश नहीं है, इनको ये लाइट चाहिए, इनको ये प्योरिटी चाहिए, ये जो आप एक जो प्योर सोल हैं, ये आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, ये बहुत ज़्यादा डार्कनेस में है, दैट्स वाई अभी ये एक्शन लेंगे आपकी तरफ और आपकी तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे सी वाओ, 6th चक्र आर्कएंजल मैट्रन, यहाँ पे नंबर 40, नंबर 4 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, नंबर 0 अगेन नई शुरुआत बताता है। आपके बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, मेरा ध्यान चला गया क्या, ये बहुत ज़्यादा एनजाइटी ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेन में है आपके पर्सन एट प्रेजेंट टाइम। अगर उनकी करंट फीलिंग्स की बात करें, आपकी जो पर्सन है, इनकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इनका जो थर्ड आई चक्र है, जो 6th चक्र थर्ड आई, ये एक्टिव हो चुका है। एक्टिव होने का मतलब ये है कि जो पास्ट में, ये पास्ट की एनर्जी गाइस, आंखों पे पट्टी इनके पास्ट में बंधी हुई थी, अब इनको समझ आ रहा है, इसलिए ये आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। इन पास्ट इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया, जो भी चीज़ आपके साथ गलत हुई इन्होंने, जैसे आंखों पे पट्टी बांध ली थी, मैंने कहा था ना, देख के कर भी अनदेखा कर दिया था आपकी फीलिंग्स को, आप जो बोल रहे थे उनको अनसुना कर दिया था, बट अब इनको एक रियलिटी चेक मिल चुका है, और स्पेसिफिकली इनके सामने उन लोगों के चेहरे सामने आ रहे हैं जो बहुत फेक थे इनके सामने। इनके सामने कुछ और थे और पीठ पीछे कुछ और थे, ऐसे रिश्ते, ऐसे लोग इनको समझ आ रहे हैं। कहीं ना कहीं थर्ड आई चक्रा
अगर एक्टिव होता है तो पर्सन को ट्रुथ नज़र आने लगता है, सच्चाई किसी भी रिश्ते की, किसी भी इंसान की, सिचुएशन की देखने का नज़रिया बदल जाता है, किसी भी चीज़ के थ्रू देख पाते हैं। सो आपकी जो पर्सन है ये अभी अवेकन हो चुके हैं, आपके पर्सन को अच्छे से पता लग गया है, रियलाइज़ हो गया है कि कौन इनका अपना है, कौन इनका पराया है, और ये बहुत ज़्यादा एंजाइटी में एट प्रेजेंट टाइम बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं। अभी ये सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, एक्शन भी लेना चाहते हैं, बट इनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे लें। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी आँख से आंसू निकल रहे हैं, आपके जो पर्सन हैं ये रो रहे हैं गाइज, ये बहुत ज़्यादा पेन में है एट प्रेजेंट टाइम, ये बहुत ज़्यादा पेन में है। सो अभी इनकी तरफ से नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। वैसे तो एक्शन देंगे आप, डेफिनेटली एक्शन लेंगे आपकी तरफ, अब ये देख लेते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, इनका नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू। फाइव ऑफ पेंटिकल्स विद ओके नाइट ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी नाइन ऑफ वॉन्ड्स। गाइस अगर मैं इनके नेक्स्ट सेक्शन की बात करूँ, पहली बात तो ये फाइनेंशियली फोल्ड फेस कर रहे हैं एट प्रेजेंट टाइम, इनको फाइनेंस, ये फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक है, फाइनेंस से रिलेटेड इनके इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है, बहुत अलोन फील कर रहे हैं, बहुत अकेले पड़ गए हैं गाइस। दूसरी बात मुझे ये बहुत अच्छी लगी, हो सकता है मे बी इन पास्ट में आपके पर्सन प्लेयर एनर्जी में रहे थे, जहाँ ये आपको सीरियस, आपको लेके बिल्कुल सीरियस नहीं थे, अभी वो सीरियसनेस आ रही है, ये अभी उस एनर्जी में नहीं है जहाँ पे ये सिर्फ फ्लर्टिशियस एनर्जी में थे, नहीं, ये अभी इमोशंस को सरफेस पे नहीं, ये डीप डाउन अपने इमोशंस से डील कर रहे हैं, सरफेस पे डील नहीं कर रहे, ये अपने डीप डाउन इमोशंस से कनेक्ट हो रहे हैं, बट स्टिल ये कन्फ्यूज़ है। मैं अगर आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी है, देखिए आप यहाँ पर भी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, यहाँ पर भी, सो कहीं ना कहीं ये जो पट्टी अभी थोड़ी खुलने बाकी है। यहाँ पे इनका थर्ड आई चक्रा तो एक्टिव हो गया है, लेकिन अभी पूरी तरीके से रियलाइजेशन नहीं हुई है, ऐसे समझो 50% रियलाइजेशन इनको हो चुकी है, 50% बाकी है, सो आपको वेट करना पड़ेगा इनके एक्शन के लिए, ठीक है। अभी ये जो कन्फ्यूज़न है, अभी इस कन्फ्यूज़न, ये जो भी कन्फ्यूज़न है, ये जो भी सेकंड ऑप्शन है, अभी इनको वक्त दीजिए, स्पेस दीजिए, ये समझने के लिए कि इनके लिए बेस्ट कौन है, आप है या वो सेकंड ऑप्शन है, ये किसके बिना सर्वाइव नहीं कर पाएंगे अपने लाइफ में, उस सेकेंड ऑप्शन में या आपके। मुझे सेकेंड ऑप्शन तो ये इनका फाइनेंस दिख रहा है, हो सकता है एट प्रेजेंट टाइम ये फाइनेंस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ये फाइनेंशली बहुत ज़्यादा वीक है एट प्रेजेंट टाइम, सो दैट्स वाई आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे, ये सोच रहे हैं कि पहले इसको संभालूं या मेरे पर्सन को संभालूं। रही बात आपकी, डेफिनेटली आपके साथ न्यू स्टार्ट चाहते हैं, कोई डाउट नहीं है, आपके पर्सन आपके साथ न्यू स्टार्ट चाहते हैं और वो आपके साथ नई शुरुआत करेंगे भी, लेकिन यहाँ पे आप बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देखिए, ये कार्ड निकला तो मुझे ये इस पे नज़र गई, विक्ट्री, वाओ, इस कनेक्शन में इनको सक्सेस चाहिए गाइस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी हमें नाइन ऑफ वॉन्ड्स की मिली है, दैट मीन्स इनके अंदर बहुत से फियर्स डेवलप हो गए हैं। सो ये कहा ना मैंने, यहाँ पे हार्ट ब्रोकन है और एनजाइटी है बहुत ज़्यादा, दैट्स वाई अभी आपके जो पर्सन है इनके अंदर फियर्स भी बहुत है, हो सकता है इन्होंने आपके साथ पास्ट में बहुत गलत किया है और अभी इनको समझ नहीं आ रहा कि आपको फेस कैसे करें, और बहुत सा फियर इनके अंदर है, हो सकता है आप इनको रिजेक्ट कर दें, हो सकता है आप इनको एक्सेप्ट ना करें, हो सकता है आप भी जैसे बाकी लोगों के चेहरे सामने आए हैं, लोगों ने इनका साथ छोड़ दिया है, कहीं आप ना छोड़ दें इनका साथ, क्योंकि फिर ये टूट जाएंगे, फिर कौन संभालेगा, क्योंकि अगर बाकी लोग इनको तोड़ रहे हैं अंदर से, तो ये उम्मीद रखते हैं कहीं ना कहीं कि आप इनको समेटेंगे, लेकिन अगर आप ही इनको रिजेक्ट कर देंगे, इनको अपनी लाइफ में आने ही नहीं देंगे, तो फिर इनका क्या होगा, ये सोच सोच के ये बहुत ज़्यादा एंजाइटी ले रहे हैं। अभी देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, अगर आपके पर्सन आपकी तरफ आते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, और करंट सिचुएशन पे आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आ रही है यूनिवर्स की तरफ से, लेट्स सी।
ये निकला है, यही लेंगे, दो कार्ड निकले हैं। ओके, ए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। ओके, डेफिनेटली गाइज आपके जो पर्सन हैं, आपके पर्सन के साथ आपका एक न्यू साइकिल स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे जस्टिस नज़र आ रहा है मुझे, यहाँ पर भी मुझे जस्टिस की वाइब आई थी। पास्ट में इस पर्सन ने आपके साथ इनजस्टिस किया और अभी आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, आपके साथ जस्टिस हो रहा है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे दोनों ही न्यू मून की एनर्जी आई है, सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं पावरफुल चेंज इस न्यू मून पर। अब ये न्यू मून कब आने वाला है, आके चला गया फिर आने वाला है, मुझे नहीं पता आने वाला है, लेकिन ये जब भी आएगा न्यू मून, तब आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत पावरफुल चेंजेस हो रहे हैं, बहुत से पावरफुल चेंजेस होना स्टार्ट हो गए हैं। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में पावरफुल चेंजेस को, ठीक है। सो गाइस ये थी छोटे से रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट की है, रेजोनेट किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें, जय सियाराम।